अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हुज़ैफ़ा। आप देख रहे हैं टेक इजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे इंटेल HD ग्राफिक्स के बारे में। अगर आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर आप लोग सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग ये वीडियो को देखिए, कैसे डाउनलोड करिएगा और इंस्टॉल करिएगा। अगर इंटेल HD ग्राफिक्स ड्राइवर अगर हम उसको फाइंड करना सीख लें, मेरे में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कौन सा ग्राफिक्स लगेगा, अगर हम लोग ये फाइंड कर लें, तो हम लोग को इंस्टॉल करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर चाहिएगा ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, तो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स ड्राइवर नहीं होता है, इसके कारण आपका नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें, मेरा कंप्यूटर अगर स्लो भी चल रहा है, तो ग्राफिक्स ना होने के कारण स्लो चलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों को हर कंप्यूटर में ग्राफिक्स नहीं होता है, होता है ग्राफिक्स, बट अगर उसका ड्राइवर इंस्टॉल ना हो तो वो वर्क नहीं करता। अगर हम लोग वर्क उसको कराना हो, तो हमको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ड्राइवर को फाइंड कैसे करते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। इंटेल का HD ग्राफिक्स कैसे डाउनलोड करते हैं, अगर हम अपने कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहा है। ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, वो खुल के मिल जाता। अगर हम बात करें सबसे पहले डिस्प्ले का, या मेरा पूरा फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इसको क्या करेगा, वो मेंटेन कर लेगा। उसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर लें, तब भी ये कर सकता है। ब्राइट अगर हम बोलें तो इसके अंदर में ग्राफिक्स का कुछ सेटिंग होता है, उसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कलर के लिए, अगर डिस्प्ले का अगर हमको कलर को बढ़ाना घटाना है, तो हम लोग ये सब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स को इंस्टॉल करें, तो ये वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, ग्राफिक्स को डाउनलोड करेंगे। ग्राफिक्स को डाउनलोड करने से पहले हमको ये पता करना होगा कि मेरे पास प्रोसेसर कौन सा है, उसका मॉडल नंबर क्या है। दिस PC, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, सबसे पहले यहाँ पर दे रहा है दोस्तों इंटेल पेंटियम CPU G2030 फाइंड हम लोग कर सकते हैं। आपका नेट ऑन होना चाहिए, किसी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। हमको ये लिख लेना है इंटेल पेंटियम G2030, हम लोग कहाँ से वहाँ से इंफॉर्मेशन जो देखे थे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर टाइप किए, इंटर करेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, ये साइट तो खुल गया। अब देखिए यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर का हमको ग्राफिक्स मिल गया। अगर हम लोग चलेंगे डाउनलोड सेक्शन पर, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, देखेंगे कि ये वाला हम लोग ड्राइवर मिल रहा है। ये लास्ट कब का अपडेट है, 10/23/2020 अपडेट है। इसके बाद इसमें कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया। अब हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर में और भी कोई इंफॉर्मेशन। आपको जिस बिट पर, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाउनलोड करना है, आपका यहाँ पर ही है 7.10.8.1 और 8.1 से 32 बिट 64 बिट, ये आप लोग देख लीजिएगा कौन सा आप लोग का बिट है। उसके बाद आप लोग चलिए डाउनलोड पर क्लिक करिए। ये देखिए दोस्तों, 120 MB का ये फाइल है और आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। बट हम लोग डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे थे सिर्फ कि ये आपका इस तरह से डाउनलोड होता है। अगर आप लोग को इसमें प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, हम इसका रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। ये वीडियो को आप लोग देखिए, कोशिश करिए इसको समझने का। और आप लोगों का ड्राइवर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाता है। बस आप लोग इस प्रोसेसर का इंफॉर्मेशन आप लोग सही से निकाल लीजिएगा, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्राइवर को दोस्तों बहुत तरीका से फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका से हम लोग ड्राइवर को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग बहुत तरह से उसका इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और उसी तरह नेट पे हम लोग सर्च करते हैं और उसको हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। कभी कभी देखते हैं दोस्तों कि गलत हम लोग ड्राइवर को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं, ये गलती ना हो, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करिए, ज़रूर उसका रिप्लाई कर देंगे, उसका सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।